Hello dear students, today we are going to begin our second chapter from section C. The name of the chapter is The Tiger in the Tunnel and it has been written by Ruskin Bond. We will discuss the author in our Zoom class and now let us directly start with the chapter. The Tiger in the Tunnel. There was no moon that night, and the deathly stillness of the surrounding jungle was broken only occasionally by the shrill cry of a cicada. Cicada kya hota hai beta? Cicada is an insect. Okay, it is a small insect which has a very sharp cry. Bahut tez awaaz mein wo bolta hai. So there was no moon that night. बिल्कुल भी लाइट नहीं थी, मूनलाइट नहीं थी. एंड द डेथली स्टिलनेस. डेथली स्टिलनेस मीन्स एवरीथिंग वॉज स्टिल. शांत था सब जगह पे, चारों ओर. डेथली बिकॉज इट इज़ रियली मिस्टीरियस. बहुत ही मिस्टीरियस था, कुछ दिख नहीं रहा था. एंड द जंगल वॉज रियली स्कैरी. एंड द ओनली ओकेजनल साउंड वॉज द श्रिल क्राई ऑफ सिकेडा. तो सिर्फ सकेडा जो एक इंसेक्ट है उसी का साउंड हमें सुन रहा था. अदरवाइज देयर वाज नो नॉइस, नो डिस्टर्बेंस व्हाटसोएवर. समटाइम्स फ्रॉम फार ऑफ केम द हॉलो हैमरिंग ऑफ अ वुडपेकर कैरिड अलोंग ऑन द फेंट ब्रीज. बट दी साउंड्स वर वेरी रेयर एंड द साइलेंस ऑफ द फॉरेस्ट ऑलवेज रिटर्न टू स्वॉलो देम अप. सो समटाइम्स दूर से, बहुत दूर से आवाज़ आती थी, हॉलो हैमरिंग ऑफ अ वुडपेकर. वुडपेकर जो है इट इज़ अ बर्ड जो कि वुड को पैक करता है अपनी चोंच से, ठीक है. एंड हैमर क्या होता है? हैमर होता है हथौड़ा. तो जस्ट लाइक अ हैमर दिस बर्ड पैक्स ऑन द वुड. तो चोंच से ऐसे मारता है वुड को. तो उस पैकिंग की आवाज़ आ रही थी. कैरिड अलॉन्ग ऑन द फेंट ब्रीज. तो फेंट ब्रीज, हल्की हल्की हवा चल रही थी. बट दीज साउंड्स वर वेरी रेयर. बहुत ही गैप के बाद आते थे वाले साउंड. एंड मोस्टली देयर वाज ओनली साइलेंस इन द फॉरेस्ट. एंड दिस साइलेंस यूज टू स्वॉलो देम अप. देम का मतलब द साउंड. जितने भी साउंड्स थे, जितना भी थोड़ा डिस्टेंट नॉइस आता था, उसको स्वॉलो, उसको निगल लेती थी जो शांति थी इस फॉरेस्ट की. बालदेव द वॉचमैन वॉज अवेक. सो दिस इज आर प्रोटैगनिस्ट. फर्स्ट कैरेक्टर है बालदेव. ही इज अ वॉचमैन. ही वॉज अवेक. जाग रहा था वो. ही स्ट्रेच्ड हिमसेल्फ स्लोली, अनवाइंडिंग द हैवी शॉल दैट कवर्ड हिम लाइक अ श्राउड. सो दिस मैन बालदेव, ही स्ट्रेच्ड हिमसेल्फ. अंगड़ाई लेना मतलब. So he stretched and slowly unwinding. Unwinding means opening, uncovering the heavy shawl that covered him like a shroud. Shroud kya hota hai? Shroud is basically the cloth with which we cover the dead body. Kafan jisko bolte hain. To usko usne aise shroud ki tarah se pehna hua hai, uda hua hai, because it is winter. It is cold midnight. So the chill air made him shiver. और जैसे ही थोड़ा सा ये जो शॉल है वो उठा, हटा, तो it made him shiver. कांपने लगा वो. The station, a small shack backed by heavy jungle, was a station in name only. तो ये जो station है, जो कि basically एक छोटी सी shack है, छोटी सी छत है इतने बड़े जंगल में, it is only a station in name. मतलब नाम का ही स्टेशन है. फॉर ट्रेन्स ओनली स्टॉप देयर इफ एट ऑल फॉर अ फ्यू मोमेंट्स, फॉर अ फ्यू सेकेंड्स बिफोर एंटरिंग द डीप कटिंग दैट लेड टू द टनल. क्योंकि क्यों ये सिर्फ नाम का ही स्टेशन है? क्योंकि यहाँ पे ट्रेन्स पहले तो रुकती नहीं है, और अगर रुकती हैं तो कुछ ही सेकेंड्स रुकती हैं बिफोर एंटरिंग द डीप कटिंग. कटिंग होता है टर्न, मोड. तो वो जो टनल है, टनल क्या होता है? सुरंग. तो सुरंग के अंदर वो जाने से पहले वहाँ पे ब्रेक लेती है वो कुछ सेकेंड्स का ट्रेन. एंड मोस्ट ट्रेन्स मियरली स्लोड डाउन. तो ज़्यादातर ट्रेन्स तो कुछ सेकेंड्स के लिए रुकती भी नहीं थी. दे जस्ट स्लोड डाउन, थोड़ा धीमे हो जाती थी बिफोर टेकिंग द शार्प कर्व बिफोर द कटिंग. क्यों? क्योंकि वो एक इतना नैरो सा कर्व है, शार्प सा, ऐसे करके कर्व होगा, तो उसको
ऐसे मुड़ने के लिए ऑब्वियसली स्लो डाउन करना पड़ता है, अपनी स्पीड को कम करना पड़ता है. सो इसलिए दैट वॉज द पर्पज ऑफ द ऑफ दिस स्टेशन. नाउ बलदेव वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिग्नलिंग. This is important. Underline this portion. What was his job? He is a watchman. But what does he do? He is responsible for signaling whether or not tunnel was clear of obstruction. तो पहले तो उसका काम क्या है कि उसको बताना होता है कि tunnel clear है, क्या सुरंग में कोई है तो नहीं, obstruction means कोई रुकावट तो नहीं है. And his hand worked signal stood before the entrance. तो उसका hand work वो वहाँ पे इशारा करता था वहाँ पे entrance पे. And at night it was his duty. Apart from this, his duty was to see that the lamp was burning. तो वहाँ पे tunnel के अंदर एक lamp है, तो वो जल रहा है या नहीं. And that the overland mail passed through safely. और वो जो वहाँ से train जो है मेल मीन्स जो मेल ट्रेन होती है, तो वो जो गाड़ी है वो वहाँ से सेफली गुजर जाए. ठीक है, सो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है. सो दिस वॉज हिज जॉब एज अ वॉचमैन. शैल आई कम टू फादर, आस्क टेम्बू. दिस इज अ सेकेंड कैरेक्टर, टेम्बू. दिस आस्क स्लीपीली, स्टिल लाइंग हडल्ड इन अ कॉर्नर ऑफ द हट. सो टेम्बू इज अ बॉय. कौन है वो हमें नहीं पता. तो ही सेड ओके, सो वी नो ही सेज फादर. सो फादर मीन्स, तो वो उसका बेटा है टेम्बू. ही सेज शैल आई कम टू, मैं भी आपके साथ आऊँ फादर. ही सेड हडल्ड. हडल्ड क्या होता है? हडल्ड मीन्स क्रॉस लेग्ड, ऐसे बैठा हुआ, बिल्कुल सिकुड़ के अपना अपनी बॉडी को वहाँ पे बैठा हुआ, बिकॉज ऑफ द कोल्ड. ही सेड शुड आई ऑल्सो कम विद यू फादर. दिस इज द नेक्स्ट पेज. To which the father, Baldeo, answers, no, it's cold night, do not get up. So he says, no need to do that, please do not get up, you just keep sleeping. Tembu, who was 12, underline, did not always sleep with his father at station, for he had also to help in the home, where his mother and small sister were usually alone. So Tembu is 12 years old, important information, isko underline kar lena. वो हमेशा नहीं अपने फादर के साथ जाता था, बिकॉज उसको अपनी मदर का भी, अपनी सिस्टर का भी ध्यान रखना होता था हट में. एंड दे लिव्ड इन अ स्मॉल ट्राइबल विलेज ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ द फॉरेस्ट. सो जंगल का आउटस्कर्ट, आउटस्कर्ट्स क्या होता है? बाहरी इलाका. तो आउटसाइड जो एरिया है जंगल का, वहाँ पे वो रहते हैं एक. एंड अबाउट 3 miles फ्रॉम द स्टेशन. तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, दिस इज द डिस्टेंस फ्रॉम स्टेशन to the hut where they live. The small rice fields did not provide them with more than a bare living, and Baldeo considered himself lucky to have got the job of a khalasi at this small wayside signal stop. So basically Baldeo and his family, they are peasants. Wo kisan hai, lekin unke jo rice fields hain, they did not really provide them enough money. To unko bare living, मतलब जीने के लिए बड़ी सारी ज़रूरतें होती हैं. एंड दीज नीड्स वर नॉट फुलफिल्ड बाय दिस स्मॉल फील्ड दैट ही हैड. सो इसीलिए ही वॉज रियली लकी दैट ही गॉट अ साइड जॉब एज अ खलासी. खलासी मीन्स एज अ वॉचमैन, एज अ कूली बेसिकली, एट दिस स्मॉल वे साइड सिग्नल स्टॉप. सो इट वॉज काइंड ऑफ अ एक्स्ट्रा मनी दैट दे अर्न फ्रॉम दिस जॉब. Still drowsy, Baldeo groped for his lamp in the darkness, then fumbled about in search of matches. When he had produced a light, he left the hut, closed the door behind him, and set off along the permanent way. Tembu had fallen asleep again. Still drowsy, drowsy kya hota hai? Still sleepy. Abhi bhi usko neend aa rahi hai Baldeo ko. But he got up and he groped for his lamp. Grope क्या होता है? ऐसे हाथ, मतलब ऐसे हाथ से ढूंढना, to look for something, किसी चीज़ को ढूंढना अंधेरे में. And then he fumbled again, कुछ ऐसे अचानक से कुछ मिल जाना. So उसको अंधेरे में ही matches जो है वो मिल गई. And when he had produced a light, जैसे जब उसने light जला ली lamp में, he left the hut. तो वो station के लिए चल दिया.
एंड सेट ऑफ अलोंग द परमानेंट वे. तो परमानेंट वे मीन्स रेलवे लाइन जो है बनी हुई वहां पे वो चलने लगा उसके ऊपर. उसका बेटा जो है ही हैड फॉलन स्लीप अगेन, तो वो दोबारा से सो गया. नाउ बलदेव वंडर्ड वेदर द लैम्प ऑन द सिग्नल पोस्ट वाज स्टिल अलाइट. अब वापस जाते जाते सिग्नल की सॉरी स्टेशन की तरफ वो क्या सोच रहा है कि वो जो लैम्प वो जला के आया है इज इट स्टिल अलाइट, क्या वो जल रहा होगा या बुझ गया होगा. गैदरिंग हिज शॉल क्लोजर अबाउट हिम, तो अपने शॉल को अच्छे से ओढ़ रहा है बिकॉज इट इज रियली कोल्ड. ही स्टम्बल्ड ऑन, लड़खड़ाता हुआ जा रहा है बिकॉज ही इज वॉकिंग ऑन द रेलवे ट्रैक एंड वी नो दैट रेलवे ट्रैक्स आर रियली रॉकी, यू नो पेबल्स होते हैं उसके ऊपर, बहुत सारे पत्थर होते हैं, तो वो स्टम्बल्ड होता है लड़खड़ाना. समटाइम्स अलोंग द रेल्स, समटाइम्स अलोंग द बैलेस्ट. सो कभी कभी बीच में वो रेल की जो पटरी है उसके ऊपर चल रहा है. बैलेस्ट क्या होता है, बैलेस्ट आर इज बेसिकली स्टोनी पाथ. तो वो बीच का जो रास्ता होता है हमें पता है ट्रेन का, वो स्टोनी होता है पटरी का और साइड्स पे रेलिंग सी बनी होती है. तो कभी उसके ऊपर चल रहा है, कभी वो बैलेस्ट के ऊपर चल रहा है. ही लॉन्ग टू गेट बैक टू हिज वार्म कॉर्नर इन द हट विच ओवरहंग द मेन लाइन थ्रेटनिंगली. ही लॉन्ग, लॉन्ग मीन्स विश्ड फॉर, बड़ा मन था उसका कि जाकर वो दोबारा से अपनी कंफर्टेबल सी हट में सो जाए फिर से बिकॉज इट इज रियली कोल्ड. विच ओवरहंग द मेन लाइन थ्रेटनिंगली. On entering the cutting with its sheer rock walls towering high above the rails, Baldeo could not help thinking about the wild animals underline he might encounter which were supposed to frequent this spot. Ab wo chalta ja raha hai and he longed, he is thinking about the warmth of the hut and जो बिल्कुल लाइन के साथ ही है उसकी जो हट है वो पटरी के बिल्कुल पास ही है उसकी हट. तो जैसी वो ऑन एंटरिंग द कटिंग विद इट्स शियर रॉक वॉल्स टावरिंग हाई अबव द रेल्स, तो उसने एंटर कर लिया कटिंग में वो जो मोड़ था वो जो टर्न था. एंड बलदेव कुड नॉट थिंक, ऑब्वियसली इट इज़ अ वेरी सिक्लूडेड प्लेस, बहुत ही अकेला है वहाँ पे वो. एंड ही स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट वाइल्ड एनिमल्स, क्योंकि जंगल है जाहिर है जंगली जानवर तो होंगे ही. बट ही हार्डली बिलीव दीज स्टोरीज फॉर सिंस हिज अराइवल एट दिस प्लेस अ मंथ अगो ही हैड ऑफकोर्स बीन देर हैड ऑफकोर्स बीन पैंथर्स एंड ओनली अ फ्यू डेज अगो द विलेजर्स हैड किल्ड वन विद द I left a few lines, sorry. So, Baldeo could not stop thinking about wild animals he might encounter, which were supposed to frequent this spot. But he hardly believed these stories. For since his arrival at this place a month ago, there had of course been panthers. Only a few days ago, the villagers had killed one with their spears and axes. So he started thinking about wild animals and lekin usko in sari stories pe vishwas nahi tha. Halanki yes usne kafi sari kahaniyan sunni thi and kuch hi din pehle a few days ago villagers ne gaon walon ne ek kisko mara tha, panther ko mara tha. Panthers are big cats. तो उसको मारा था स्पीयर्स एंड एक्सिस. स्पीयर क्या होता है, भाला, जो पॉइंटेड वेपन्स होते हैं. एंड एक्स, एक्स क्या होता है, एक्स इज कुल्हाड़ी. तो एक्स के साथ भी, स्पीयर्स के साथ भी उन्होंने उसको मारा था. बलदेव हैड ओकेशनली हर्ड द सॉइंग ऑफ अ पैंथर कॉलिंग टू इट्स मेट. सॉइंग क्या होता है, क्राई, बेसिकली चीखने की आवाज़. पैंथर की आवाज़ सुनाई थी जो कि वो अपने पार्टनर को बुलाने के लिए लगाते हैं. बट दे हैड नॉट कम नियर द टनल और शेड, वो कभी स्टेशन के आसपास भी नहीं आते थे.